क्लास लगाइए तो बस ये क्लास आपकी आ गई है। ठीक है, देखिए पहला है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल के अगर जनक की बात करें तो रेड जेल याद रखिएगा, रेड जेल याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर रेड जेल, ठीक है ना, उन्होंने अब यहाँ पर क्या करते हैं, मानव भूगोल की दो परिभाषाएं मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना। यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है, ये डेफिनेटली एग्जाम में छपा हुआ है, प्रिंटेड है, यहाँ से जो भी लिखा हुआ है आपके एक या दो चीजें तो ऑलरेडी यहाँ पे आने वाली है, तो इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए आगे, रेड जेल मानव भूगोल के दृश्य, यानी रेड जेल के अकॉर्डिंग मानव भूगोल की परिभाषा, तो क्या लिखा है, मानव भूगोल के दृश्य स्वत्व पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो कि स्वयं भौतिक दशाओं, जो कि स्वयं भौतिक दशाओं और भौतिक दशाओं का एक योग होता है। याद रखना, रेड जेल ने कहा कि मानव भूगोल के दृश्य स्वत्व पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो कि स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। ये रेड जेल की डेफिनेशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और याद रखना कि ये जो क्लास है सेकेंड सेमेस्टर वाले जो है ना, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके सरप्राइज होगी। आगे देखिए, कुमारी सैंपल के अकॉर्डिंग मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थिर पृथ्वी, क्रियाशील मानव यानी जो मानव हर समय एक्टिव कुछ ना कुछ करता रहता है, तो क्रियाशील मानव और पृथ्वी में परिवर्तन होता रहता है, तो अस्थिर पृथ्वी। तो ध्यान रखना, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, याद आ जाएगा, बिल्कुल डेफिनेशन आएगी आपके एग्जाम में। देखो, या छोटा प्रश्न आएगा या बड़ा प्रश्न, बट आएगा 100%, ये याद रख लेना। ठीक है, आगे देखिए, अब बात करते हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। किसके भूगोल में प्राकृतिक तत्व कौन कौन से, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में प्राकृतिक तत्व कौन कौन से हैं? तो प्राकृतिक तत्व है भौगोलिक स्थिति, स्थलाकृति, जलवायु, वनस्पति, जलाशय, जीव जंतु और खनिज पदार्थ। क्या है, खनिज पदार्थ है, समझ में आ गया। चलो आगे बात कर देते हैं, मानवीय तत्व कौन से, मानव भूगोल में, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में मानवीय तत्व, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में मानवीय तत्व कौन कौन से हैं? जनसंख्या, मानवीय बस्तियां, परिवहन, मार्ग, कला, साहित्य, शिक्षा, धर्म इत्यादि तत्व इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, आगे बात करें, आगे देखिए ब्लास्ट, ब्लास्ट की पॉइंट वाली बात नोट कर दीजिएगा, पॉइंट की तरफ है, क्यों, क्योंकि ब्लास्ट ने मानव भूगोल के सिद्धांत बताए हैं तीन, जनसंख्या वितरण सिद्धांत, परिवहन का सिद्धांत और तीसरा है संस्कृति के तत्व का सिद्धांत। ये नोट कर लीजिएगा, एकदम मस्त वाला। आगे देखिए, ये बुक आपके एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है, एडन कुले पुस्तक, एडन कुले पुस्तक किसकी है, कॉल रीडर की है, किसकी है, कॉल रीडर की है, जो 1817 में इन्होंने प्रकाशित कराई थी, जिसमें 19 खंड मतलब अलग अलग, और इसमें भूगोल के प्रादेशिक अध्ययन को नई दिशा मिली थी, इस बुक से भूगोल के प्रादेशिक अध्ययन को नया फ्लो मिला था, ये ध्यान रखना। आगे देखिए, निग्रेटो, निग्रेटो क्या है, विश्व की प्राचीन मानव प्रजाति है और ये भूमध्य रेखीय अफ्रीकी क्षेत्र, श्रीलंका और मलाया क्षेत्र के आसपास ये जनजाति निवास करती है। ठीक है, तो पहली दफा तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मेरा के एग्जाम में आप जब पेपर खोलोगे तो इनमें ऐसी चीजें आपके मिलेगी पेपर के अंतर्गत। ठीक है, अब आगे मैं नेक्स्ट आपको ले चलता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अब आगे हम बढ़ते हैं और इन बिटवीन आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, तो अभी इनको इरेज कर लेते हैं, आप क्या ना इनको एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा और जाते समय एग्जाम एक बार रिविजन कर लीजिएगा। मानव भूगोल जो मैं बता रहा हूं, बस ध्यान रखना, टॉपिक जो जो आज करवा रहे हैं ना, वो आपके 20 से ज्यादा नंबर के होंगे, ये अच्छे से ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे मानव भूगोल, ध्यान रखना कि मानव भूगोल के अंतर्गत एक सवाल ये आ जाता है जो आप याद रख के जाइएगा, कि मानवतावादी भूगोल के प्रतिपादक, मानवतावादी भूगोल के प्रतिपादक, ये प्रश्न अगर आगे आ गया तो ध्यान रखना कि मानव भूगोल के जो प्रतिपादक हैं उसमें आप ध्यान रखना तुवान है, कौन है, तुवान, ये प्रश्न
आया हुआ है एक बार, इसलिए आपको ध्यान रखना तुवान कौन है, तुवान याद रह जाएगा। अरे याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्या है इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से एक और शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊं तो मानव भूगोल के स्थानिक विवरण के तीन प्रमुख पक्ष कौन से हैं, मानव भूगोल के स्थानिक यानी स्थल स्थानिक विवरण के तीन स्थानिक विवरण के तीन इंपोर्टेंट याद रखना प्रमुख पक्ष, ठीक है। ये एग्जाम के लिए इसको नोट कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूं। तो मानव भूगोल के स्थानिक वितरण के जो तीन पक्ष है उसमें पहला पक्ष ध्यान रखना घनत्व। अब प्रश्न आएगा घनत्व किसे कहते हैं, टेंशन क्या घनत्व समझते हैं कि नहीं समझते, बिल्कुल। तो इससे संबंधित प्रश्न आएगा। दूसरा आपको बताते हैं वितरण यानी जनसंख्या, मानव का जो वितरण है वो पृथ्वी में अलग अलग जगह अलग अलग कंडीशन में पाया जाता है, तो मानव वितरण के संबंध में ये ध्यान रखना है, वितरण से संबंधित इंपोर्टेंट रहता है। और नेक्स्ट है मानव भूगोल से संबंधित प्रमुख तत्वों में इसका प्रतिरूप, ठीक है। तो मानव भूगोल के स्थानिक वितरण यानी स्थान का वितरण करने के संबंध में तीन पक्ष होते हैं घनत्व वितरण और प्रतिरूप, घनत्व वितरण और प्रतिरूप याद रह जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो बता रहा हूं उसको नोट करना, लुटेरी अर्थव्यवस्था क्या है, लुटेरी अर्थव्यवस्था। ये प्रश्न अगर आ गया कि भाई लुटेरी अर्थव्यवस्था क्या है तो ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान रखना लुटेरी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, ये कहते हैं लुटेरी दुल्हन मतलब लूट के चली जाती है। अब ये लुटेरी अर्थव्यवस्था क्या है क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में आने की संभावना होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि मनुष्य अपनी आर्थिक क्रियाओं के संचालन के लिए मनुष्य अपनी आर्थिक क्रियाओं के लिए भूमि यानी जमीन संपदा जो होती है के लिए भूमि का अंधाधुंध दोहन या यूज या उपयोग, दोहन अंधाधुंध तरीके से ऐसा लिख दीजिए, तरीके से उपयोग करता है। तो अब देखो अगर मानव सही तरीके से इस भूमि का उपयोग करता तो वो कहते हैं ना कि हम भी खाए आप भी खाए सब सुरक्षित रहे, कहने का मतलब है याद रखना कि अगर आप सही तरह से किसी भी चीज का उपयोग करोगे तो उसका फायदा दूसरों को भी मिलेगा, लेकिन आपने अपने मतलब के लिए जमीन के साथ खिलवाड़ कर दिया, अंधाधुंध उपयोग कर दिया, तो अंधाधुंध आप किसी चीज का उपयोग करोगे मतलब मिस यूज करोगे तो नुकसान उसके उल्टा भी होगा। कैसे नुकसान उल्टा हुआ, तो देखिए इसमें हम यहाँ पे बताएंगे लुटेरी अर्थव्यवस्था की वजह से क्या हुआ, सिंपल सी जैसे मान लीजिए अंधाधुंध किया तो इससे क्या हुआ कि मिट्टी का कटाव हुआ, भूमि का कटाव हुआ, और भूमि के कटाव से क्या हुई कि भूमि जब कटाव हुई तो कटाव की वजह से इसका दुरुपयोग होने लगा, दुरुपयोग के तौर पे हम कह ये भी कह सकते हैं कि बाहर पर्यावरण और मानव तीनों संकट में आ गए। देखो भूमि का अंधाधुंध कटाव की वजह से क्या होगा, बाढ़ आने जैसी नौबत हो जाएगी क्योंकि पेड़ पौधे सही जगह नहीं हो पाएंगे, तो फिर ये मन कहेंगे कि बाढ़ आने की स्थिति हो जाएगी, पर्यावरण असंतुलन हो जाएगा क्योंकि भूमि के कटाव की वजह से जगह जगह खड्डे हो जाओगे, खड्डे हो जाएंगे तो ये भी असंतुलन हो जाएगा और इसलिए मानव का भी नुकसान होगा। यानी आप मान लीजिए कि पानी आ रहा है आपके, ठीक है, ज्यादा पानी आ रहा है, इसका मतलब आप अपने जरूरत के अलावा ऐसे ही फ्री में उड़ाओगे क्या पानी का, मतलब मिस यूज जा रहा है जाने दो, अब वो लोटा भर गया है, गुनिया मटका भर गया पानी जा रहा है तो ये मिस यूज होता है। तो ये पानी अगर आप मिस यूज करें तो दूसरों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, दूसरों को वो पानी मिलेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि लुटेरी अर्थव्यवस्था का मतलब मनुष्य अपनी आर्थिक क्रियाओं के लिए भूमि का अंधाधुंध उपयोग करता है, इस वजह से भूमि का अलग अलग जगह कटाव
इसका मतलब हर जगह नुकसान शुरू हो जाता है, तो ये है लुटेरी अर्थव्यवस्था। मनुष्य अपने फायदे के लिए गलत तरीके से या नजरअंदाज करता है भूमि की बहुमूल्य चीजों को, और ये नुकसान होता है, और इसे कहते हैं लुटेरी अर्थव्यवस्था। ठीक है, समझ में आ गया। चलो प्रोफेसर बुश के अनुसार क्रियाशीलता यानी क्रिएटिविटी जो एनी टाइम होती है, यानी किसी भी काम में जो क्रिएटिव वर्किंग जो टाइम होता है उसी अकॉर्डिंग देखा जाए, तो प्रोफेसर बुश के अनुसार क्रियाशीलता के सिद्धांत की भौतिक शक्तियां, ठीक है ना, भौतिक शक्तियों पर यहां पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, यस बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए अब यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा, तो ध्यान रखना कि पृथ्वी की बाह्य और आंतरिक शक्तियां जो है ना, जिसके अंतर्गत वह सभी चीजें आ जाती है, जैसे सौर ऊर्जा है, पृथ्वी गति है, गुरुत्वाकर्षण है, ये सभी जो क्रियाएं हैं वो भौतिक शक्तियां कहलाती है, पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य शक्तियां। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक चीज कही गई है प्रोफेसर बुश के अकॉर्डिंग, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर कहा कि बुद्धिमान शक्ति और मूर्ख शक्ति से क्या अभिप्राय है, बुद्धिमान शक्ति और मूर्ख शक्ति। प्रोफेसर बुश के अनुसार बुद्धिमान शक्ति और मूर्ख शक्ति से क्या तात्पर्य है, तो ध्यान रखना कि यहां पर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना, गुरुत्वाकर्षण शक्ति को प्रोफेसर बुश ने इंटेलिजेंट पावर का यानी एक बुद्धिमान शक्ति का है, क्यों, क्योंकि यहां पर गुरुत्वाकर्षण के तर्क के रूप में कहता है कि शक्ति और सूर्य ताप की, देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण को इसलिए कहा है क्योंकि यह पृथ्वी पर विभिन्न दाब और मानव के पदार्थ और चट्टानों के बीच वितरण तथा उसमें संतुलन बनाए रखता है। कहने का मतलब है गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी पर संतुलन बनाता है, पृथ्वी पर संतुलन बनाता है। ठीक है, लेकिन प्रोफेसर बुश ने मूर्ख शक्ति का जो नाम दिया है वो दिया है सूर्य ताप को, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य ताप, सूर्य ताप को कौन सी शक्ति कही है, मूर्ख शक्ति कही। अब क्यों कही है, तो इसके पीछे रीजन दिया है कि वायुमंडल संचालन में विषमता उत्पन्न कर देते हैं, सूर्य ताप है ना वो जब आता है तो वायुमंडल में विषमता हो जाती है, क्या हो जाती है, विषमता हो जाती है, और ये विषमता के संदर्भ में यहाँ पे कहा है कि इससे धरातल पर अनेक परिवर्तन होते हैं, मतलब बैलेंस बिगड़ता है, गुरुत्वाकर्षण से तो बैलेंस बनता है लेकिन सूर्य ताप से पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है, परिवर्तन होता है और इस वजह से संतुलन भी नहीं रहता इनके अकॉर्डिंग, तो उन्होंने इसको सूर्य ताप को क्या कहा है, सूर्य ताप को याद रखना प्यारे विद्यार्थियों मूर्ख शक्ति का है प्रोफेसर बुश ने। आगे बात करते हैं पार्थिव एकता का सिद्धांत क्या है, सेकेंड ईयर वालों ये जबरदस्त है, वैसे सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी ऑलवेज है बट एग्जाम में जो बता रहा हूं उसमें से काफी सवाल यहां से बनने वाले हैं। ठीक है, प्रातिम एकता का सिद्धांत, ठीक है इसको समझिएगा, पार्थिव एकता का सिद्धांत क्या है इसको थोड़ा जान लीजिएगा क्योंकि ये आपके आ सकता है, क्लियर, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए यहां पर मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, पार्थिव एकता का सिद्धांत मतलब है कि पृथ्वी एकता के सिद्धांत का अभिप्राय आपका कि विश्व के सभी भौगोलिक तत्व चाहे वे जड़ हो या चेतन हो एक दूसरे से संबंधित है, इस प्रकार कोई तत्व एक दूसरे से अलग नहीं है और पृथक अध्ययन करना संभव भी नहीं है, इसे प्राकृतिक एकता कहा जाता है।
तो बहुत ही सिंपल बात है कि पृथ्वी में जो भी तत्व मौजूद है ना, वो सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है। मतलब कहते हैं निर्भरता, निर्भरता कि एक के होने से दूसरे का काम होता है, इस वजह से हम एक का अध्ययन नहीं कर सकते, हमें शामिल में दोनों का अध्ययन करना पड़ता है। तो ये पार्थिव एकता का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्थिव एकता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो इसको एक बार नोट करवा देता हूं आपको, ताकि इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो विश्व के सभी भौगोलिक तत्व, विश्व के सभी भौगोलिक तत्व अच्छे से याद रख लीजिएगा, विश्व के सभी भौगोलिक तत्व, चाहे वे जड़ हो या चेतन, चेतन यानी जागृत अवस्था, जड़ हो या चेतन, हर तत्व जो है ना वह एक दूसरे से संबंधित है। एक दूसरे से संबंधित होते हैं और यही कहलाता है पार्थिव एकता का सिद्धांत। क्या कहलाता है? पार्थिव एकता का सिद्धांत, यानी पृथ्वी में जितने भी तत्व हैं वह एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि एक अकेले का अध्ययन हो ही नहीं सकता, हमें शामिल अध्ययन करना होता है, और यही पार्थिव एकता का सिद्धांत कहलाता है। क्लियर, आगे बात करते हैं। जिन ब्रूस के अनुसार प्रकृति परिवर्तन की उत्तरदायी भौतिक शक्तियां कौन कौन सी है? चलो मैं यही लिखवा देता हूं, जिन ब्रूस, याद रखना प्रकृति के परिवर्तन के लिए, परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी याद रखिएगा उत्तरदायी कारक कहिए, या हम कारक से बढ़िया यहां पर वर्ड आप यूज कर सकते हैं, भौतिक शक्तियां कौन कौन सी है? भौतिक शक्तियां, ठीक है, वे भौतिक शक्तियां जो प्रकृति में परिवर्तन करती है अकॉर्डिंग टू जीन ब्रूस के अकॉर्डिंग। तो पहला है पृथ्वी के ग्रही संबंध, पृथ्वी के ग्रही संबंध, यानी पृथ्वी का दूसरे ग्रह के साथ जो संबंध है ना, ये संबंध भौतिक शक्ति के अंतर्गत आता है और ये प्रकृति में परिवर्तन करता है। दूसरा सौर शक्ति, सूर्य ऊर्जा, सौर शक्ति, ये भी प्रकृति में परिवर्तन करती है। और तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सिंपल है, याद रह जाएगा ना, बिल्कुल याद रह जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर ले जाऊं। तो अनुकूलन से क्या अभिप्राय, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना कि मनुष्य जो है ना अनुकूलन, अगर प्रश्न आ जाए ना अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब होता है कि हम मान लीजिए आप देखो कितनी गर्मी है, भयंकर गर्मी है, देखो अभी सुनने में आ रहा होगा कि इतनी गर्मी है कि फटाफट झटाझट टपक रहे लोग, मतलब इतनी गर्मी की वजह से लोग समझ नहीं पा रहे कि कैसे इसको हैंडल करना है, वो लापरवाही कर देते हैं और इस वजह से उनको जान से हाथ धोना पड़ता है। तो अब इतनी भयंकर गर्मी में भी लोग प्रकृति में जीवन जीते हैं तो वे क्या करते हैं? अनुकूलन करते हैं, उसके अनुकूल होने की प्रवृत्ति करते हैं। जैसे ज्यादा गर्मी है, हीटिंग है, तो ठंडे वातावरण में रहने की कोशिश करेंगे, कूलर वगैरह ये है जो ठंडा, मतलब कुछ अच्छा खाना खाएंगे जिससे ज्यादा हीटिंग या गर्मी ना हो, मतलब घर के अंदर ही रहेंगे। ये सब चीजें हैं जो प्रकृति में पर्यावरण और मानव के मध्य संतुलन करती है। एक पर्यावरण और मानव दोनों एक दूसरे के मध्य सामंजस्य से बैठाते हैं, और जैसा पर्यावरण होगा, जैसी परिस्थिति होगी, मानव वैसा ही अपने आप को ढाल लेता है। तो ये क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुकूलन कहलाएगा। क्लियर, चलो अब आगे नेक्स्ट में आपको इसी प्रकार से जो इंपोर्टेंट है उसी सीरीज में मैं आपको बताते जाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान दिया जाए। ठीक है, और ध्यान रखना ये जो प्रश्न है वो बता रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है भौगोलिक वातावरण का प्रभाव पुस्तक किसकी है बताइए, अगर आपको याद है।
भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, ये पुस्तक किसकी है? मुझे लग रहा है आपको शायद याद नहीं, कोई बात नहीं, अब याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये है कुमारी सैंपल, जो मैंने पहले ही शुरुआत करवाया था, कुमारी सैंपल याद रखना, ये बुक इंपोर्टेंट है इसलिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसी प्रकार से एक और बुक का पूछा जा सकता है कि फिजिकल एटलस पुस्तक किसकी है? देख लीजिएगा नाम, एटलस, ठीक है ना, ये भी एक बुक है, फिजिकल एटलस। तो ये बुक किसकी, अगर पूछता है प्रश्न आ जाए तो नायक ना बर्गहॉस, किसकी है? बर्गहॉस। तो ये प्रश्न आ सकते हैं, दो नंबर का, तो नंबर जाना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। यस वनीश वेलकम। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बता देता हूँ, जिसको याद रखना। मानव प्रजाति, मानव प्रजाति, ठीक है, मानव प्रजाति शास्त्र के दो अंगों के नाम, अंगों के नाम तो लिख लीजिएगा। मानव प्रजाति शास्त्र के दो अंगों का जो नाम है, इसमें भौतिक मानव शास्त्र और सांस्कृतिक मानव शास्त्र मोस्ट है, ठीक है। ये ठीक है, भौतिक यानी प्रकृति कह सकते हैं और इसे मानवीय कह सकते हैं, इस प्रकार से ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बता रहा हूँ उसमें ध्यान रखना कि भौतिक मानव शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? भौतिक मानव शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना, भौतिक मानव शास्त्र में मानव प्रजाति का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? मानव प्रजाति का। भौतिक मानव शास्त्र किसका, भौतिक मानव शास्त्र में किसका अध्ययन होता है? तो मानव प्रजाति का अध्ययन होता है, ये याद रखना। अगर प्रश्न ये आ जाए सिंपल सा कि वातावरण समायोजन क्या है, तो कहने का मतलब मानव, देखो हम अपने राजस्थान इलाके में रह रहे हैं तो कितनी गर्मी है, यहाँ कैसा वातावरण है, साउथ में देख लीजिए वहां का वातावरण कैसा है, कश्मीर में देख लीजिए वहां का वातावरण कैसा है, शिमला में देखिए वहां का वातावरण कैसा है, तो अलग अलग जगह अलग अलग वातावरण होता है, तो मानव उस वातावरण में रहकर क्या करता है, समायोजन करता है। ज्यादा गर्मी है तो वो उस अकॉर्डिंग एसी कूलर फ्रिज या अंदर रहेगा, घर के अंदर रहेगा, इस प्रकार से वो व्यवस्था करेगा ताकि वो उस गर्मी के अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज कर सके। अगर ठंडा है तो वो आग जलाएगा या हीटर वगैरह ऐसी व्यवस्था करेगा। इस प्रकार से मानव है ना, वो वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करता है, इसी को समायोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समायोजन कहा जाता है, ठीक है। ये ज्योग्राफी वालों के लिए जबरदस्त क्लास है, आप अगर सही से समझते हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट में आपको बताता हूँ, जो नोट कर लीजिएगा आगे ताकि ध्यान रह जाए। प्राणी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, अगर ऐसा पूछा जाए तो प्राणी विज्ञान में जाति का प्रभाव और मानव शरीर की रचना है ना, इनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। लेकिन आर्थिक भूगोल में किसका अध्ययन होता है, ये याद रखिए। आर्थिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि थर्ड ईयर में आर्थिक भूगोल है तो याद रखना, आर्थिक भूगोल में मनुष्य और वातावरण की सुविधाओं के संबंध में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, याद रहिएगा। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यू वन टू वन आपको बता रहा हूं, तो ध्यान रखना कि यहां पर एक प्रश्न आ जाता है कि समाज रचना शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है,
तो समाज रचना शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, ये भी मैं आपको लिखवा देता हूं। समाज रचना शास्त्र में ध्यान रखना सामाजिक संस्था नगरों और गांवों का। ठीक है ना, याद रह जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया आपके जबरदस्त जो था वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो भी बता रहा हूँ वो सीधा आपके एग्जाम में पेपर में छपा हुआ है, बस ये सोच के रख लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे बताइए रुकू और जाओ, ये मैंने कल ही करवाया है वैसे फर्स्ट ईयर वालों के लिए, तो किसको याद है, वैसे सेकंड ईयर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। रुको और जाओ क्या है, रुको और जाओ क्या है, तो ध्यान रखना ये निश्चयवाद मानव भूगोल की एक विचारधारा है। निश्चयवाद, मानव भूगोल की एक विचारधारा है निश्चयवाद, अगर आपको याद है तो यह मैंने आपको समझाया था। इसमें देखो कहा गया है कि मानव न तो प्रकृति का दास है न प्रकृति का मालिक है, बल्कि वह प्रकृति के साथ मिलकर काम करने की नीति को अपनाता है और मानव की कार्य करने की जो क्षमता है ना वह असीमित है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना रुको और जाओ ये निश्चयवाद मानव भूगोल की एक विचारधारा है, जिसमें कहा गया कि मानव न तो प्रकृति का दास है न मालिक है, जब ठीक है ना, और मानव के कार्यों की क्षमता असीमित है ऐसा माना जाता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर के फॉर्म है वो 10 से 15 दिन के आसपास शुरू हो जाएंगे, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है, अब फटाफट से इस प्रश्न याद कर लीजिएगा। सांस्कृतिक नियतिवाद क्या है, किसने दिया सांस्कृतिक नियतिवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो याद रखना कॉल, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। इस प्रकार से नेक्स्ट आपको आ जाए, ध्यान रखिएगा यहाँ पर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना होती है। ठीक है, नव निश्चयवाद क्या, जो मैंने कल ही पढ़ाया आपको, नव निश्चयवाद क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नव निश्चयवाद क्या है इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, मानव द्वारा प्राकृतिक व्यवस्था को समझ कर अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार संतुलन का मार्ग अपनाना, कहने का मतलब है कि पर्यावरण व मानव द्वारा मध्यम मार्गी का अनुसरण कर, अनुसरण कर, अनुसरण कहने का मतलब देखो यहां पर ये निश्चयवाद कहता है, क्योंकि देखो ये दो विचारधाराएं, एक संभववाद एक निश्चयवाद, दो विचारधाराएं थी पहले आपको याद हो तो, मानव भूगोल की दो विचारधाराएं थी संभववाद और एक थी निश्चयवाद। ठीक है, संभववाद कहता है कि मानव शक्तिशाली मानव जो शायद कर सकता है प्रकृति के साथ, क्योंकि मालिक मानव है और वह अपनी विकास के लिए पर्यावरण को आड़े नहीं आने देना चाहता, इस प्रकार से मानव चाहे तो पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन निश्चयवाद कहता है कि नहीं, मानव प्रकृति का दास है और इस प्रकार से प्रकृति ने पहले फिक्स कर दिया है, नियत निश्चित कर दिया है, उसी अकॉर्डिंग मानव अपना काम कर सकता है। तो इस प्रकार से इधर मानव इधर पर्यावरण को महत्व दिया गया, लेकिन इन दोनों की जो मिक्स डेफिनेशन है वो है नव निश्चयवाद, जहां पर पर्यावरण और मानव दोनों को महत्व दिया गया और दोनों के तालमेल से आगे बढ़ने की बात कही गई है। तो ये याद रख लीजिएगा। दिनेश, हेलो दिनेश, रेडी, आगे बात करते हुए ये अच्छे से याद रखना। तो यह मानव द्वारा प्राकृतिक व्यवस्था को समझकर, मानव द्वारा प्राकृतिक व्यवस्था को समझकर उसके साथ तालमेल बैठाकर मध्यम मार्ग का अनुसरण करने की बात कही गई, यानी संतुलन मार्ग अपनाना। यानी मानव को
मालिक बनकर प्रकृति का शोषण नहीं करना है और पर्यावरण को भी मानव के विकास के लिए उसको योगदान देना है। इस प्रकार से दोनों मिलकर अगर ये काम करते हैं तो ये विचारधारा कौन सी कहलाती है, याद कर लीजिएगा, नव निश्चयवाद कहलाती है। ठीक है सर, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो? जालोर। विलेज कौन सा है? उम्मेदपुर। आपसे मिलना है जालोर, जालोर में आहोर, आहोर में उम्मेदपुर। चलो आगे बात करते हैं। यस महेश, तो ये नोट कर लिया नव निश्चयवाद के संबंध में। चलो अब आगे मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? रुको और जाओ ये विचार किसने दिए, ऐसा प्रश्न आ जाए तो ग्रिफिथ टेलर ने दिए। किसने दिए? ग्रिफिथ टेलर। और प्रश्न ये भी आता है प्यारे विद्यार्थियों कि नव निश्चयवाद विचारधारा किसने दी मानव भूगोल की, तो वो है ग्रिफिथ टेलर। कौन है? ग्रिफिथ टेलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। रुको और जाओ न्यू निश्चयवाद है। हाँ हाँ धीरज बिल्कुल, क्योंकि ग्रिफिथ टेलर ने ही निश्चयवाद के तहत रुको और जाओ इस विचारधारा को परिवर्तित कर नव निश्चयवाद में लाया, जिसमें कहा गया रुको और जाओ नव निश्चयवाद। इस प्रकार से ध्यान रखना कि निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर, नव निश्चयवाद भी ग्रिफिथ टेलर, याद रख लीजिएगा। बिल्कुल धीरज सही है, रुको और जाओ इसको नव निश्चयवाद में शामिल किया गया है। ठीक है याद रखिएगा, नव निश्चयवाद को कंफ्यूजन ना होना है, और इसको नव निश्चयवाद को वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है, एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखना। वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। ठीक है ऐसा प्रश्न आ जाए तो थोड़ा अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है और ये भी मैंने कहा है कि नव निश्चयवाद और निश्चयवाद दोनों के लिए कौन इंपोर्टेंट है? टेलर। कौन इंपोर्टेंट है? टेलर है। क्या करवा रहा हूँ? टॉप। चलो आगे नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर नोट करते जाइएगा कंटिन्यू, क्योंकि ये बहुत जरूरी और इंपोर्टेंट है। तो ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद में मानव की तुलना किससे की है, ये प्रश्न आ सकता है। किसे किए? मानव से किए। ठीक है यस सुमेर, नमस्ते जी, नमस्ते। आगे देखिए, ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद में मानव की तुलना किसी के सिपाही से, जैसे होता है ना ट्रैफिक पुलिस वाला, यस गाड़ी आ रही है रुको जाओ, गाड़ी आ रही है रुक जाओ। आपने देखा होगा पुलिस वो अपने चौराहे पे खड़ा होता है ना, इधर से गाड़ी आती है, इधर से आती है, तो इधर कहता है रुको जाओ। समझ आया? रुको और जाओ यानी नव निश्चयवाद विचारधारा कहती है कि पर्यावरण को समझदारी से यूज करना है, कि जहां नुकसान हो रहा है विकास रोक दो, काम रोक दो, और जहां पर्यावरण में और भी संभावना है विकास की, यस शुरू करो, जाओ जाओ रुको फिर वापस जाओ रुको। समझ में आ गया? बहुत ही मजेदार है ये नव निश्चयवाद अगर आपको याद है तो। पढ़ाई करना अच्छा लगता है, बहुत 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 अच्छा मनीष, ऐसे ही लगे रहिए और सेकेंड सेमेस्टर में तो चक्के लगा दोगे आप। चलो आगे बात करता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ गया ग्रिफिथ टेलर की क्या कहा गया है कि वो जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है ना, बस उसके समान मानव को माना है नव निश्चयवाद में। ठीक है अब आगे मैं आपको बता देता हूँ कि सैंपल के द्वारा पर्यावरण के प्रभाव को कौन कौन से भागों में बांटा गया है, ये प्रश्न आ सकता है। कुमारी सैंपल, ठीक है ना, इंपोर्टेंट है। कुमारी सैंपल याद रखना, पर्यावरण के प्रभाव। अब यहां पर कौन कौन से हैं तो ये अच्छे से जान लीजिएगा कौन कौन से, क्योंकि एग्जाम में ऐसा प्रश्न आया तो समझ लेना कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुमारी सैंपल ने पर्यावरण के प्रभाव को
पर्यावरण के प्रभाव को चार भागों में बांटा गया है, जिसमें शारीरिक प्रभाव, पहला है शारीरिक प्रभाव, दूसरा है मानसिक, दूसरा क्या है मानसिक, और तीसरा है आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। एंड फोर्थ जो आपको सैंपल के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, मानवीय गतिविधियों का प्रभाव, मानवीय गतिविधियों का प्रभाव, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के संभववाद के प्रवर्तक कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट, मानव भूगोल की विचारधारा संभववाद, निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, याद रखना है, ठीक है। तो संभववाद के प्रवर्तक कौन है, ये प्रश्न आ जाए तो याद रखना फेब्रे, कौन है फेब्रे है, निश्चयवाद की ग्रिफिथ टेलर, नव निश्चयवाद की ग्रिफिथ टेलर, अच्छे से प्रश्न याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं सर, मैं ये जो करवा रहा हूं ना, इससे आपके 20 नंबर से ज्यादा के एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे विद गारंटी, क्योंकि एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो बाकी क्वेश्चन उस क्वेश्चन की संभावना आए नहीं है, लेकिन अगर पूरा पूरा पेपर मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर छोटे प्रश्न, तो फिर बात जबरदस्त होगी, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं तो प्रश्न आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। देखिए एक्चुअली क्या है कि गिनी टर्ड जो है ना, वो मतलब बहुत ही उष्ण वातावरण है, हम ऐसा कहेंगे उष्ण जलवायु, क्या है उष्ण जलवायु, गर्म जलवायु के कारण, गर्म जलवायु के कारण अफ्रीका के मध्यवर्ती भागों में मानव शरीर में जो अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जैसे गुर्दे, क्या कहेंगे गुर्दे, ठीक है ना, गुर्दे, तिल्ली, व प्रजनन अंग, प्रजनन अंग को अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों याद रख लेना कि गिनी टट को अंग्रेजी की कब्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां जाते ही अंग्रेज कब्र की तरह दफन हो जाते हैं, क्योंकि उष्ण जलवायु है और वहां पर अंग्रेजों का नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि अफ्रीका के मध्यवर्ती भागों में मानव शरीर में गुर्दे, झिल्ली और उनके जो प्रजनन अंग है वो अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, और वहां पर जाए अंग्रेज तो कब्र बन जाएंगे, समझ आ गया। चलो आगे बात करता हूँ, नेक्स्ट इंपोर्टेंट, ताकि कंफ्यूजन न हो और आगे बढ़ते जाएं। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे बता रहे हैं, पर्वतों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पर्वतों को काटकर बनाई गई दो सुरंगों के नाम मुझे बताओ, आप में से कौन बता रहा है, आप में से किसको याद है बताइए, पर्वतों को काटकर दो सुरंग जो बनाई गई है उनके नाम आप मुझे बताना है, कौन बता रहा है जल्दी से, किसको याद है, पर्वतों को ठीक है, तो देखिए दो सुरंग की हम बात करेंगे, कितनी सुरंग की बात करते हैं, दो सुरंग की, पहली सुरंग है बनिहाल सुरंग,
ठीक है। अब बनियाद चुनाव के बारे में याद रखना कि यह भारत और कश्मीर, यहां से भारत और कश्मीर सड़क गुजरती है, भारत और कश्मीर की ओर जाना है, किसकी ओर, कश्मीर, भारत से बात की जो प्रमुख क्षेत्र है कश्मीर, तो भारत कश्मीर रोड जो है ना वो इधर से गुजरती है बनियाल सुरंग से, ठीक है, यस बिल्कुल। और दूसरा बिल्कुल आपने सही बताया, सिंपलन सुरंग, सही एकदम करेक्ट आंसर है। सिंपलन सुरंग, ठीक है, इसमें ध्यान रखना कि यह आल्पस पर्वत के आर पार स्विट्जरलैंड से इटली, स्विट्जरलैंड से इटली, कौन सा पर्वत है, आल्पस, क्लियर, ये सही है। पिग्मी क्या है, ये प्रश्न आ गया, पिग्मी क्या है, तो क्या कहेंगे आप पिग्मी के बारे में, ध्यान रखना पिग्मी एक प्रकार से हम यहां पर ये कहेंगे एक जनजाति है, क्या है, जनजाति है। अब यहां पर हम बात करते हैं, बिल्कुल सही निकल, जनजाति है, तो अब इससे संबंधित प्रश्न आ जाता है एग्जाम के लिए कि पिग्मी लोगों की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है, यानी पिग्मी जनजाति है ना वो किस पर निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। और ये चीज आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि पशुओं का शिकार और वन, ठीक है, पशु शिकार, वनों से कंद मन, कंद फल फूल जो होते हैं, इसके अलावा मछली, क्या कहेंगे, मछली, क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल जनजाति है, आकेट, सही बात है, आकेट आकेट सही बात है, ठीक है। चलो अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं, मसाई प्रश्न आ जाए तो थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि विश्वभरीय प्रदेश में कौन सी जनजातियां पाई जाती है, मुझे लग रहा है ये प्रश्न आ जाएगा, ये प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर याद रखिएगा जो जनजातियां पाई जाती है इसके अंतर्गत है बोरो, कौन सी जनजाति है, एक तो बोरो, दूसरी है कागो में पिग्मीज, यानी पिग्मी जो अभी मैंने आपको बात करी, पिग्मी ज्यादा है तो पिग्मीज कहेंगे, इसके अलावा गिनी के तट के निग्रो, गिनी तट के निग्रो जाति, इसी की तरह मलेशिया के सेमांग, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बिल्कुल 100% आएगा, ये ध्यान रखना, सुमात्रा के कुब, ये सही है, सुमात्रा के कुब। एंड नेक्स्ट बात करते हैं तो बोर्नियो के डयाक, ये प्रश्न आया है, डयाक क्या है, ये प्रश्न आया हुआ है कि डयाक क्या है, क्या प्रश्न आया था, तो ध्यान रखना डयाक एक जनजाति है जो विषुवतीय प्रदेशों में पाई जाती है, तो झटाक से फटाक से याद रख लीजिएगा क्योंकि ये यहां से प्रश्न एक आएगा जनजाति से जुड़ा हुआ, ठीक है, ये प्रश्न पक्का आएगा, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं, मसाई जनजाति के लोग कहां पाए जाते, मसाई, मसाई जनजाति, ठीक है, ध्यान रखना अफ्रीका में कहां रहते हैं, पूर्वी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका, और बात करें टेम्परेचर का या अक्षांश रेखा की, तो एक उत्तरी अक्षांश, 6-5 दक्षिणी अक्षांश, ठीक है,
मसाई जनजाति के लोग। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये भाग जो है ना वो पठारी और घाटी पर्वतीय भाग है, इसमें एलन, कोर्निया, किलिमंजारो ऐसे पर्वत ढाल यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं जो काफी इंपोर्टेंट और जबरदस्त हो जाता है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। मनीष आप थोड़े लंबे कमेंट करते ना, उतना तो मेरे पास टाइम ही नहीं कि लंबे कमेंट पढ़ो। चलो आगे बात करते हैं, बुशमैन, बुशमैन जनजाति, इसके बारे में तो आप जानते हैं बुशमैन के बारे में, तो क्योंकि ये जनजाति है ना वो दक्षिणी अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीकी संघ के क्षेत्र में पाई जाती है, यानी यहां पर हम कहेंगे तो मोटे तौर पर अफ्रीका, अफ्रीका में जहां पर क्या है एक मतलब मरुस्थलीय एरिया, ये क्या है मरुस्थलीय एरिया है, मरुस्थलीय प्रदेश है, वहां पर ये जनजाति पाई जाती है। और यहां पर एक प्रमुख मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। यस, बुशमैन जनजाति दक्षिणी अफ्रीकी संघ के आसपास का इलाका है, और जहां पर अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल है यहां पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, बुशमैन जनजाति पाई जाती है। और बुशमैन जनजाति के अगर शारीरिक शरीर गठन के बारे में पूछ जाए, शारीरिक संरचना के बारे में, कि भाई ये जाति के लोग कैसे होते, तो ध्यान रखना ठिगने होते, कैसे होते ठिगने, ठिगने यानी हाइट में कम, हाइट में कम मतलब 150 सेमी हाइट होती है बस, इससे ज्यादा नहीं। बौने क्या होते हैं, बौने होते हैं, सबकी मुख आकृति और भारी पलके, भारी आके याद रह जाएगा। और रंग की बात करें तो भूरा पीला कैसा होता है, भूरा भूरा, और बाल होते घुंघराले, कैसे होते हैं घुंघराले, ये इसकी विशेषता याद रख लीजिएगा। चलो आगे बात करते हैं किर्गिज जाति, ठीक है ना, किर्गिज जाति के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान रखना किर्गिज जनजाति है ना दो भागों में पाई जाती है, कारा किर्गिज और किर्गिन कजाक, ठीक है। अब इसमें थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा कि ये पश्चिमी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बसे हैं, और किर्गिज कजाक जो है इनकी बात करें तो स्टेप के मैदान में, स्टेप का मैदान क्या है, घास का मैदान, यानी पशुपालन, क्या कहेंगे पशुपालन कहेंगे, याद जाएगा अच्छे से याद रह जाएगा ना, कोई कंफ्यूजन वाला तो नहीं ना, क्या नहीं सर मुझे कुछ कंफ्यूजन, ऐसा कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है। आगे बात करते हैं एक्सिमो, मेक्सिको में एक्सिमो के बारे में जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना हमें बता वो सब यहाँ पर एक साथ हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि एक्सिमो का मतलब होता है कच्चा मांस खाने वाला, कच्चा मांस खाने वाला इसको एक्सिमो कहा जाता है। एक्चुअली में क्या है कि एक्सिमो है ना वो बर्फीली मतलब बर्फीली एरिया में रहने वाली जाति है, तो उन्हें पकाने का टाइम नहीं, उन्हें डायरेक्ट खाने का होता है, तो वो डायरेक्ट मांस को ऐसे ही खा जाते हैं। तो यहाँ की जनजाति ना संपूर्ण अर्थव्यवस्था अकेट पर निर्भर होती है,
संपूर्ण अर्थव्यवस्था आकेट यानी शिकार पर निर्भर होती है, ध्यान रख लीजिएगा ठीक है। और इससे संबंधित एक याद रखना, क्योंकि प्रश्न एग्जाम के लिए आएगा, तो इग्लू, बर्फ से बना घर होता है इनका, इग्लू कहा जाता है ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाए तो ध्यान रखिएगा ट्यूपिक क्या है, ट्यूपिक का ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर इन्हीं के संबंध में कि ग्रीष्म काल में कैरीबी और ध्रुवी भालू की खाल से बने इनके जो घर होते हैं इनको ट्यूपिक कहा जाता है। यानी ये जो इग्लू है ना, ये एक्सिमो के घर है, कब, जब बर्फीला एरिया होता है, बर्फीला यानी शीत मौसम में, जब ग्रीष्मकालीन मौसम हो, कौन सा मौसम हो, ग्रीष्मकालीन मौसम हो, उसमें ट्यूपिक नाम के घर बनाते हैं। इसमें क्या होती है, पशु की खाल होती है, पशु की मतलब कैरीबो और ध्रुवीय भालू के, ठीक है, याद रहेगा ये दोनों आप साथ में याद रख लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं, क्याक क्या है, अगर प्रश्न आ जाए क्याक, ठीक है, ऐसा प्रश्न आ जाए कि भाई क्याक क्या है, तो क्याक ध्यान रखिएगा कि एक्सिमो के पुरुषों के द्वारा सील मछली का शिकार करने के लिए प्रयोग में लिए जाने वाली लंबी नाव, लंबी नाव, ठीक है ना। और इस लंबी नाव के उपयोग करते हैं जब सील मछली का शिकार करना हो, किसका, सील मछली का शिकार करने के लिए जिस नाव का प्रयोग करते हैं। इसी के अलावा एक याद रखिएगा, इसी के नंबर एक होता है हार्पून, हार्पून होता है सील मछली का शिकार करने के लिए जो हथियार होता है वो हार्पून होता है, ये प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर बात करें, क्या समझ में आ गया, हार्पून समझ में आ गया, ट्यूपिक समझ में आ गया, इग्लू समझ में आ गया, एक और शब्द है स्लीज, स्लीज, स्लीज ध्यान रखना, शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सिमो में बर्फ के ऊपर यात्रा करने के लिए, बर्फ के ऊपर और दलदली क्षेत्र में यात्रा करने के लिए या मछलियों को शिकार करने के लिए, तो ये एक तरह से मछली की हड्डी और लकड़ियों से बनाई गई गाड़ी है, एक्सिमो के द्वारा बर्फ यात्रा पे जाने के लिए, बर्फीले क्षेत्र पे यात्रा पर जाते हैं तो स्लेज नाम की एक गाड़ी बनाई जाती है, और इस गाड़ी के अंतर्गत एक्सिमो लोग सवार करते हैं, ठीक है ना। एक और वर्ड याद रख लीजिएगा, माउपोक क्या है, माउपोक शॉर्ट में समझा देता हूं कि एक्चुअल में होता क्या है कि शीतकाल के अंतर्गत, शीतकाल के समय एक्सिमो, शीतकाल तो और बर्फ एरिया होता है, तो होता क्या है कि उनको पता है कि भाई ये एक नदी है, ये एक नदी है, और शीतकाल की वजह से नदी के ऊपर बर्फ की परत जम गई है, तो वो क्या करते हैं, उस नदी के पास खड़े हो जाते हैं। और ध्यान रखा जाए कि एक्सिमो के द्वारा क्या किया जाता है कि उस नदी के ऊपर जो बर्फ की परत जमी होती है ना, उस पर छोटे छिद्र करते, छिद्र छेद करते, और बर्फ के नीचे जब नदी होती है तो वो मछलियां है ना पानी पीने के लिए उस छेद के ऊपर आती है, यानी बर्फ, ये पानी था वो बर्फ बन गया, अब यहाँ पर छेद कर दे तो मछली है ना वो उड़ते हुए, मतलब फ्लाइंग करते हुए, जो भी है तैरते हुए, वो इस छेद के ऊपर आती है सांस लेने के लिए। तो एक्सिमो के लोग हार्पून से दशाम करके उस मछली को सौंप देते हैं, यानी पकड़ लेते हैं, मार देते हैं, जैसे भी करते हैं, फिर वहां से वो निकाल देते हैं। इस प्रकार से मछली का शिकार करना क्या कहता है, माउपोक, क्या कहलाता है, माउपोक कहलाता है, समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है माउपोक, तो आप समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है।
तो टॉपिक है वो ऑलरेडी करवा दिए, अगर आपको बड़े क्वेश्चन देखना है तो आप वो प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहां से मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है कि खेती का ये एक रूप है, ठीक है ना, यानी झूम झूम कर की जाने वाली खेती या स्थानांतरित कृषि, क्या कहेंगे? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का मतलब है कि भाई मैं जहां रह रहा हूं वहां मिट्टी में उत्पादन ज्यादा नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता हूं, एक नया जंगल देखता हूं, उस जंगल को काट देता हूं और फिर वहां पे खेती करना शुरू कर देता हूं। तो ये जो खेती का, कृषि का जो प्रकार है वो स्थानांतरित कृषि कहलाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब अगर बात किया जाए तीमी याक क्या है, एक ये प्रश्न आ जाए तीमी याक क्या है, तो तीमी याक एक्चुअल में याद रखना कि एक्सिमो पुरुषों पर आधुनिक ऊनी जर्सी के मिलकर जुलता एक होता है, यानी एक्सिमो जनजाति के लोगों के द्वारा पहने जाने वाला एक वस्त्र कह सकते हैं, जिसको तीमिया कहा जाता है। ठीक है, और एक्सिमो जनजाति अगर इनकी हाइट के बारे में पूछा जाए तो ये भी ज्यादा लंबे तो नहीं होते, 155 से लेकर 165 सेमी इसकी हाइट होती है। किसकी? एक्सिमो जनजाति के लोगों की। ठीक है, लेकिन दूसरी विशेषता याद रखे तो सौड़े मुख काले बाल होते हैं और लाल भूरी आंखें संकरी पलकों वाली होती है, थोड़ा याद रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं सीमा तक क्या है। भारत के अंतर्गत बिल जो जनजाति है, बिल जनजाति के द्वारा जो कृषि की जाती है, जूमिंग कृषि के टाइप ही, उसको सीमा तक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बिल जो लोग है ना, वो पहाड़ी ढालों पर बने वनों को जलाकर भूमि पर वर्षा काल में अनाज दाल और सब्जियां उगाते हैं। ठीक है, सी माता बिल जनजाति जो था अनाज दाल या सब्जियां उगाने के लिए पर्वत वनों को काट कर की जाने वाली कृषि। तो इसी प्रकार से एक और वर्ड आता है दजिया। दजिया के ये प्रश्न आ जाए तो ये होता है बिल जनजाति जो है ना वो क्या करती है, ये भी कृषि का प्रकार है। कौन करते हैं? बिल जनजाति, लेकिन ये अनाज उगाने के लिए की जाती है। इसलिए शॉर्ट रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो चावल मक्का देखिए, तो अब यहाँ पर है कि चावल मक्का ज्वार आदि को उगाने के लिए बिल जनजाति है ना वो मैदान के वनों को काट कर खेती करते हैं, तो वो राइस बुशमैन एक जनजाति है। बुशमैन राइस का मतलब यहाँ पर ये है कि बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, तो वहां पर एक प्रकार का दीमक होता है। दीमक, ठीक है ना, दीमक जैसे वो उदाई कहते ना अपने, उदाई आ गई मतलब मारवाड़ में के उदाई आ गई उदाई, तो इस प्रकार से कलारी मस्तर में एक प्रकार का ये दीमक है जो वाइट 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 दिखता है। तो जूमिंग मतलब बुशमैन जो लोग है ना वो उस दीमक को खाते हैं, इस प्रकार से वो बुशमैन के लिए वो राइस हो गए, तो बुशमैन राइस कहा जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं यानी जो प्रजातियां है ना, प्रजातियों के मिश्रण से उत्पन्न दो जनजाति। यानी जो प्रजातियां हैं इनके मिश्रण से जो प्रजातियों का उत्पन्न हुआ है, जो प्रजाति पाई जाती है वो प्रजाति है
मेस्टिनो और जेब्रो। यानी जो प्रजातियां स्वतंत्र हैं फिर दूसरे के साथ जब मिलती है तो मिक्स रूप पर मिक्स प्रजातियां बन जाती है। तो ऐसे प्रजातियों के मिक्स प्रजातियां कौन सी है, मेस्टिनो और जेब्रो। ठीक है, देखिए मैक्सिम मेस्टिनो की बात करें तो इंडियन और यूरोपीय लोगों के संबंध से उत्पन्न है, इंडिया और यूरोप के लोगों से उत्पन्न संबंध को मेस्टिनो कहा जाता है। और जेब्रो है निग्रो और इंडियन से, निग्रो और इंडियन से उत्पन्न जेब्रो कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रजाति। ठीक है, प्रजाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, प्रजाति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है तो याद रख लेना ई फॉक्स ने। किसने किया, ई फॉक्स ने किया है और इन्होंने किया था अपनी पुस्तक 1570 में बुक ऑफ माइटर्स। बुक ऑफ माइटर्स में किया गया है और ये बुक उन्होंने लिखी थी 1570 जब भारत में नागौर सम्मेलन हो रहा था अकबर के समय। ठीक है, आगे बात करते हैं मानव प्रजाति का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, देखिए गल ग्रंथि जो होती है आपको याद होगा, ठीक है ना, गरल नहीं है गल ग्रंथि, तो गल ग्रंथि है ना इसकी, इसके काम ना करने की वजह से मंगोलीय प्रजाति है वो प्रभावित होती है और मंगोलीय प्रजाति में गल ग्रंथि के काम न करने से चेहरा सप्ता और ललाट उभरी हुई होती है और कुछ नाटे। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो नेक्स्ट है उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, अगर प्रश्न आ जाए कि उत्परिवर्तन क्या है तब आप क्या कहेंगे उत्परिवर्तन के बारे में, तो ध्यान रखिएगा कि लंबे समय से भौतिक और मानवीय परिस्थितियों में जब परिवर्तन हो रहा है तो लोगों के जीन में भी परिवर्तन हो गया और इस वजह से शारीरिक लक्षणों में भी परिवर्तन हो गया है। ध्यान रखना यहां पर कहा गया है उत्परिवर्तन, डार्विन का सिद्धांत थी मान लीजिए, उन्होंने कहा कि लंबे समय से यानी लंबे समय के कारण लोगों के जीन्स में परिवर्तन हो गया और जीन्स में परिवर्तन होने की वजह से लोगों के शारीरिक लक्षण में परिवर्तन हो गया है और यही परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। प्यारे विद्यार्थी समझ में आया, इसी प्रकार से आगे देखिए क्लास चल रही है। ठीक है, उत्परिवर्तन समझ में आ गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट आपको बताते हैं विश्व के किन्हीं चार जनचुनी क्षेत्रों के नाम बताइए, यानी विश्व के वो चार क्षेत्र बताने हैं जहां जनसंख्या लगभग जीरो के बराबर है, जनचुनी क्षेत्र। तो सबसे पहला है साइबेरिया का टुंडा प्रदेश, साइबेरिया का टुंडा प्रदेश, इतना टुंडा है, इतना टुंडा, इतना टुंडा, इतना ठंडा है कि जनजाति वहां निवास नहीं कर पाती है। ठीक है, दूसरा है कालाहारी मरुस्थल, उसमें जनजाति यहाँ पे रहती है लेकिन वह भी न के बराबर है, कालाहारी मरुस्थल बहुत ही ज्यादा गर्मीला और मानव के रहने के हिसाब से बिल्कुल ना। नेक्स्ट है मेक्सिको का मैदानी भाग, मैदानी लेकिन रहने लायक नहीं है,
इसी प्रकार नेक्स्ट है पेटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया। याद रह जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं, ये लगभग मैं लास्ट यूनिट की ओर बढ़ रहा हूं, आई थिंक लास्ट या सेकंड लास्ट यूनिट है। आगे हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है, वो तो आप जानते हैं। प्रश्न आ जाएगी भाई जनसंख्या वृद्धि, तो सिंपल है, जनसंख्या वृद्धि किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या में एक निश्चित सीमा में बढ़ोतरी होना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये बात करें कि जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है, तो जनसंख्या घनत्व का बस ध्यान रखना, सिंपल आंसर है कि व्यक्तियों की संख्या उसके प्रदेश के क्षेत्रफल के अनुपात के आधार पर, एक जनसंख्या उसके क्षेत्र के प्रदेश के आधार पर अनुपात जो होता है ना, मतलब घनत्व का मतलब हो गया, जैसे आप मान लीजिए जिस सिटी में रह रहे, ठीक है ना, तो आपका सिटी का एरिया और उस सिटी में रहने वाले लोग उनका जो अनुपात है ना, उस अनुपात को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है, याद रह जाएगा। और जनसंख्या चक्र पूछा जाए तो जनसंख्या वृद्धि के कारण विकास की अवस्था, जनसंख्या वृद्धि के कारण विकास की अवस्था को जनसंख्या चक्र कहा जाता है। मैंने तीन बताया, जनसंख्या चक्र बता दिया, वृद्धि बता दिया, घनत्व बता दिया। समझ में आ गया, सिंपल था। अब आगे बात करते हैं इसी प्रकार से, नेक्स्ट यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, कायिक घनत्व क्या है। अगर ये प्रश्न आ जाए, ये मिटा देता हूं क्योंकि ये फोर्थ यूनिट फिर फिफ्थ यूनिट लास्ट वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मुझे वापस नेक्स्ट क्लास लेनी है, तो अभी ये क्लास खत्म होने का समय भी आ गया है। प्रश्न है कायिक घनत्व, ध्यान रखिएगा, किसी क्षेत्र की जनसंख्या उस क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि के अनुपात को प्रदर्शित करती है तो उसे कायिक घनत्व कहा जाएगा, कृषि योग्य भूमि। यानी कृषि योग्य भूमि और उस भूमि पे कितने लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कहलाएगी कायिक घनत्व। क्या कहलाएगा? कायिक घनत्व, ठीक है। कायिक घनत्व यानी कृषि योग्य भूमि पर कितने लोग वहां पर जीवन जीवन यापन कर गतिविधियां करते हैं उसको लेकर, ठीक है। और जन्म दर का मतलब आ जाए तो जन्म दर का याद रखिएगा एग्जाम में कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे कितने बच्चे पैदा हुए हैं। जनसंख्या वृद्धि यानी प्रति वर्ष 1000, ध्यान रखिएगा, व्यक्तियों के पीछे 1000 व्यक्तियों के पीछे कितने पैदा हुए हैं बच्चे, वो जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। ये प्रश्न आ जाए, ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न ये भी होता है जनाधिक्य यानी जन की वृद्धि, लोगों की वृद्धि। जनाधिक्य का मतलब यहां पर सिंपल है कि लोगों की वृद्धि। जनसंख्या का जरूरत से ज्यादा होना यानी एक संतुलन जनसंख्या होती है, संतुलन जनसंख्या से ज्यादा जनसंख्या होना यानी एक एरिया में मान लीजिए 5000 लोग रह सकते हैं लेकिन वहां 50000 लोग रह रहे हैं तो वो जनाधिक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जनाधिक्य कहलाएगा, ठीक है। चलो अब लास्ट यूनिट की ओर बढ़ते हैं, मानव अधिवास से क्या अभिप्राय है। मानव अधिवास, तो ध्यान रखना कि सामाजिक जीवन के रूप में रहने के लिए मानव द्वारा बनाए गए निवास, मतलब यही याद रखना सीधा कि मानव के निवास को मानव अधिवास कहा जाता है क्योंकि मानव एक सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है, तो वो समाज में रहने के लिए एक घर बनाता है, एक निवास बनाता है, उसे मानव निवास कहा जाता है, ठीक है। अब इस प्रकार से आकार के अनुसार अधिवास कैसे होते हैं, आकार के अनुसार अधिवास कैसे होते हैं, यानी छोटे छोटे बड़े 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 होना। जैसे सबसे पहले बात करें अधिवास यानी एक रहने का स्थान, तो सबसे पहले होता है सबसे छोटा घर पूर्वा। अधिवास के आधार पर क्रम देखा जाए तो गांव से छोटा होता पूर्वा, फिर होता है ग्राम,
फिर होता है नगर, क्या होता है नगर ग्राम यानी नगर जैसा ग्राम, फिर होता है कस्बा, ठीक है, इसके बाद होता है नगर, महानगर, नगर महानगर, और महानगर से भी बड़ा है व्रत नगर। इस प्रकार मानव जिस प्रकार से रहता है उस अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकृति में अधिवास और क्षेत्र बढ़ता है, विकास इस तरह बढ़ता है। तो पूर्वा गांव, नगर ग्राम, कस्बा, नगर महानगर और व्रत नगर, क्या है व्रत नगर। ओके ओके, अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। डिमार्जिया के अनुसार मकानों के कार्य, डिमार्जिया के अनुसार मकानों के ठीक है, डिमांजिया के अनुसार मकानों के कार्य के आधार पर जो प्रकार है उसके बारे में, एक तो होते हैं साधारण मकान, ठीक है, दूसरे होते हैं साथ में रहते हैं तो संयुक्त मकान, इसी प्रकार से नेक्स्ट होते हैं असाधारण स्ट्रगल वाला थोड़ा, ठीक है ना, स्ट्रगल टाइप के जो मकान होते हैं, और इसके अलावा वर्टिकल जिसको कहते हैं लंबवत, क्या कहते हैं लंबवत मकान, यानी लंबा लंबा होता है ना मकान, वो सेकेंड सेमेस्टर जून जुलाई के आसपास होगा। आगे बात करते हैं मिलियन सिटी से क्या अभिप्राय है, मिलियन सिटी, एक मिलियन में कितने होते हैं 10 लाख होते, तो 10 लाख लोगों का नगर, यानी एक नगर जहां 10 लाख जनसंख्या रहती है तो इसको मिलियन सिटी कहा जाता है, ठीक है, और कस्बा जिसमें 500 से 5000 जनसंख्या में लोग रहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं नाभिक गांव, नाभिक गांव एक गांव है जिसमें उस गांव में गांव का सेंटर केंद्र में एक मुखिया रहता है, उसको नाभिक गांव कहा जाता है, क्या कहा जाता है नाभिक गांव, ठीक है। आगे बात करते हैं मोगा पोलिस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, मोगा पोलिस, मेगा पोलिस सॉरी, मेगा याद रख लीजिएगा, मेगा लो पोलिस, मेगा लो पोलिस, मेगालोपोलिस जो शब्द है ना वो सबसे पहले जीन गॉटमैन ने 1957, जीन गॉटमैन, अब ये क्या है तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो शब्द है वो सबसे पहले गॉटमैन ने प्रयोग किया था, और ये नगरों से संबंधित शब्द है, क्या है नगरों से, ठीक है। आगे बात करते हैं मलिन बस्तियां क्या है, ये प्रश्न आया है और वापस आएगा, तो ध्यान रखना मलिन बस्तियां का मतलब होता है कि ऐसी बस्तियां जहां पर न तो सही से रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, यानी पूरी तरह से सिटी में जो लोग रहते हैं और कचरे वाली जो बस्तियां होती थी मलिन बस्तियां कहा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना निम्न स्तर का जीवन, निम्न स्तर का आवास और रहन क्षेत्र जहां क्या खाना क्या पीना सब एक ही जगह पूरा कचरा, जैसे बड़ी बड़ी सिटियों में गरीब लोग कैसे रहते हैं, वो रहने वाले उस क्षेत्र को उस गली को उस एरिया को मलिन बस्तियां कहा जाता, ठीक है। औद्योगिक नगर का बड़ी बड़ी नगर को औद्योगिक नगर कहा जाता है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सर्वाधिक यूरोपीय जनसंख्या घने
नगरों के नाम में मोनाको और नीदरलैंड है, ठीक है। बाकी तो लास्ट यूनिट तो इजी है, आप कर सकते हैं, फिर भी मैं एक बता देता हूँ जो याद रखिएगा। विश्व की कुल जनसंख्या के 80% भाग है ना वो 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में रहता है। ठीक है ना, ये आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करें जो इंपॉर्टेंट है, एशिया जनसमूह कहां से कहां तक विस्तार में रहते हैं, एशियाई जनसमूह। तो एशियाई जनसमूह का जो विस्तार है वो याद रखना 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना, 10 से 40 इस प्रकार से। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा यूरोपीय जनसमूह की दो विशेषताएं, यूरोपीय जनसमूह की जो विशेषता है कि एक तो सघन जनसंख्या पाई जाती है, यूरोप में जनसंख्या के ऊपर विशेषता क्या है यूरोपीय क्षेत्र में, तो सघन जनसंख्या यानी ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैदानी क्षेत्र है, मैदानी सम शीतोष्ण जलवायु है, सम शीतोष्ण क्या है, जलवायु, इस वजह से यहाँ की जनसंख्या ज्यादा रहती है। ठीक है, विश्व के प्रमुख जनसंख्या समूह कौन कौन से हैं? विश्व के प्रमुख जनसंख्या समूह जहां पे ज्यादा जनसंख्या रहती है, तो पहला तो है एशियाई जनसमूह, याद रखना। दूसरा है यूरोप का यानी यूरोपीय जनसमूह। तीसरी जनसंख्या जो निवास करती ज्यादातर वो है अमेरिकन जनसमूह, और चौथी जहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है वह है अफ्रीकन जनसमूह। ये प्रश्न आ सकता है कि विश्व की सर्वाधिक जो जनसंख्या जनसमूह कौन कौन से इलाके हैं, एशियाई जनसमूह, यूरोपीय, अमेरिकन और अफ्रीकन। ठीक है, याद रख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार से मैंने आप सभी को ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास यानी एक ही क्लास में मानव भूगोल के जितने भी छोटे प्रश्न आ सकते थे बन सकते थे वो बता दिए। सेकेंड ईयर वालों के लिए जबरदस्त क्लास है, इसको अगर मैं चाहूं और मैं कहूं तो दोबारा भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे छोटे क्वेश्चन तो आएंगे ही मुझे लग रहा है, और बड़े क्वेश्चन में भी ये प्रश्न आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आप सबसे लेता हूँ विदा प्यारे विद्यार्थियों। मैं एक लास्ट रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि अब आपका एग्जाम है ह्यूमन ज्योग्राफी का, तो ये क्लास इतनी ज्यादा शेयर कर दीजिए, इतनी ज्यादा इसको अच्छा रेस्पॉन्स दे दीजिए। थैंक यू सो मच।